हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों, आज दिन है मंगलवार का और अभी टाइम हो रहा है शाम के 8:30 हो रहे हैं। जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली थी, वैसे ही हमारे दूध वाले भैया आ गए, तो फिर मैं दूध लेने चली गई। बानी के पापा वॉशरूम के अंदर गए हुए थे और दिविशा बानी बाहर खेल रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आपके उधर कितनी गर्मी हो रही है बताना मुझे। वैसे बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा तो कूलर वगैरह सब कुछ हमने निकाल लिया है, कूलर में पानी वगैरह सब कुछ डालने लगे हम। इधर लगाया हुआ है खिड़की पे कूलर और बेड हमारा इस साइड में है ना। आप सोच रहे हैं कि हम इधर साइड को कर ले बेड को, क्योंकि उधर हवा काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है ना सामने हवा, फिर बच्चे बीमार बीमार हो जाते हैं। तो अभी जाती हूँ फटाफट से किचन में, खाने पीने की तैयारी करते हैं। अभी हम लोग गए हुए थे मार्केट और कल है मेरी बेटी का बर्थडे, बड़ी वाली का, बानी का बर्थडे है कल, तो उसी की शॉपिंग वगैरह करने के लिए मार्केट चले गए थे। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं घर आने में, तो फटाफट से खाना पीना बनाते हैं और उसके बाद दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि हम लोग क्या लेके आए हुए हैं। थोड़ी बच्चों के कपड़े वगैरह यही सब लेके आए हैं, केक वगैरह तो कल ही आएगा बाकी। तो चलिए फटाफट चलती हूँ, पहले किचन में खाना पीना बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से और शॉपिंग दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? और जा फिर क्या जा? और जी मैडम, क्या बन रहा है फिर यहाँ पे आज? मैं वही सिंपल अपना दाल रोटी। हाय हाय, बच्चों को पसंद ही वही है दाल, क्या करें, ठीक है, सब्जी खाते ही। ओके, आटा लग चुका है। हाँ, आटा लगा रही है मैडम यहाँ पे। कितना हो गया टाइम? टाइम 9 बज गए हैं पूरे, ठीक है। तो कल की क्या तैयारी है? कल की तो कल ही देखेंगे। अरे नहीं यार, कल वानी का बर्थडे है, 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसको, स्पेशल डे है कल। स्पेशल डे तो है फिर, ठीक है ना प्रोग्राम? हाँ, तो क्या बना रहे सुबह? प्रोग्राम ही होगा। सुबह से खाने में क्या बना रहे हो तुम, ये बताओ मुझे। तो खाने की हुई उसी की पसंद का बनेगा, ठीक है। क्या बोल रही हो, क्या पसंद है उसका? छोले पूरी। ओके, दिशा आ जाओ बेटा। दिशा क्या कर रही हो? ये मेरी टी शर्ट वहाँ डस्टबिन में फेंक के आ गई है। हैं? हाँ, मैंने देखा था येलो कलर की मेरी टी शर्ट ही है। ओ बेटा, डस्टबिन फेंकने की चीज थोड़ी ना ये, ये सारी चीजें डस्टबिन में फेंक देती है। बताओ, आज मॉर्निंग में इसने बूट पॉलिश करने वाला ब्रश फेंक दिया था डस्टबिन में। मम्मी के पास ऐसी कपड़ों की कमी है रे, तो डस्टबिन में फेंकने जा रही कपड़े मेरे। दिशा हैं? देवू, ये पापा क्या बोल रहे हो? हेलो कर दो। हाय, ये मस्त है। ओ, एक को पोटी आ रही हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। आ रही यार, तेरी मम्मी आ रही है। मम्मी आ रही है। अरे वाह, मम्मी खाना बना रही है, आप भी आ जाओ। चलो बनाओ खाना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज बहुत दिनों बाद आ गए हम लोग, फिर से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल रहता है ना। तो अभी यहाँ बन रहा है खाना, रोटी बना रही है। बन गई रोटियाँ? गर्मी भी, हाँ गर्मियाँ भी हो गई, तो सेंडो में मैं भी आ गया, काफी गर्मी हो गई है। औरतें कहाँ जाएंगी? औरतें तो जाएंगी किचन के अंदर, गर्मी में परेशान हो जाते हैं ना। सबसे ज्यादा मुश्किल खाना बनाने में होता है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी पता है। कभी कभी बनाना पड़ता है ना, इसलिए नहीं बनाता मैं। बनाते हो? फिर रोटी तुमसे अच्छी बना लेता हूँ मैं, बनाता हूँ ना। और क्या, फिर गृहस्थी वाले को सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, दलिया भी तुमसे अच्छा बनाता हूँ, है ना। छोले भी तुमसे अच्छे बना लेता हूँ कभी कभी। कल सुबह बनने छोले? नहीं 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 नहीं, छोले बनाने नहीं आते मेरे को। छोले बनाने नहीं आते, ठीक है, छोले नहीं बनाता। तो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे करके बात बात करके लड़ाई ना शुरू हो जाए, तो इससे अच्छा है फोन चुप रहने में फायदा, चुप रहने में फायदा है। देखो सीटी बजने वाली है, सीटी बज रही है, बोल रही चुप हो जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। बोल भाई, तू क्यों परीक्षा ले रहा है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग खाते हैं खाना पीना, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धोऊंगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये मैंने मीशो से मंगाया था चॉपर,
ये चॉपर मंगाया है, उसके साथ ये फ्री आया है मैस करने वाला। दीवीजा खेल रही थी अभी तक इससे, मैं कह रही पीछे क्या दिख रहे हो। अगर आप लोगों को भी मंगाना है तो बताना, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अच्छी डील चल रही है किचन के चीज़ों पे ना, तो हर चीज़ के साथ एक ना एक चीज़ फ्री में मिल रही है, तो आप लोग भी चेकआउट कर लेना, मैं डाल दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जब पापा बुला रहे थे दीक्षा, तुमने नीचे पूरा कागज वगैरह फाड़ के क्या कर दिए हैं? तो यहाँ पे हम लोग रूम में आ गए हैं खाना खाने के लिए। मैं इधर रोटी ले आई हूँ, वहीं यहाँ पर दाल वगैरह ला रहे हैं, और यहाँ बानी कर दी अपना होमवर्क, और बानी हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर ले रही है। अकेले अकेले काम है ना बानी, इसने आज बिना मम्मी के हेल्प के, अब इसके आजकल कर्सिव राइटिंग चल रही है, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, अब कर्सिव में चल रहा है। अभी ए बनाना स्टार्ट करा है इसने, और यहाँ हिंदी में इसने दो वर्णों के शब्द लिखे हैं। दिखाओ बेटा, ये तो स्कूल में होगा, ये वाला होगा अभी ना, और भी दिया है मैथ में भी? मैथ में नहीं दिया भाई, तो समझदार होगी, कल तो बर्थडे है फिर। हाँ, रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी? बस सपने आएंगे। सपने आएंगे? क्या आएगा सपने में? सपने में आएगा मैं केक खाती हूँ, और तू ऐसे सोई, आप सोई हो, और दीदीजा मेरे साथ केक खा रही है। अच्छा। और पापा बाहर आराम से बैठे हैं। अच्छा, सपना आएगा। और गिफ्ट नहीं दिखेंगे सपने में? भूत लाएंगे गिफ्ट। भूत ही लाएंगे बेटा गिफ्ट, रुक जा तू। क्यों, भूत क्यों लाएंगे? मम्मी पापा लाए हैं, और मामा भी लाएंगे, कल मामा भी आ रहे हैं। नानी, नानी नहीं आ रही बेटा, नानी इतने दूर से कैसे आएगी? आ रही। सबको इनवाइट करो अपने बर्थडे में, बोलो आप सब लोग भी आना। आप सब लोग भी आना, कल मेरा बर्थडे है। कल मेरा बर्थडे, केक भी खाओगे, चौमिन भी खाएंगे। पार्टी करेंगे, बोलो पार्टी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, खाना आ गया है इधर, अब हम लोग खाते हैं, मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा खाना पीना हो गया है, और भांति पापा लोग इधर बैठे हैं, क्योंकि इधर लगा दी हमने मच्छरदानी, और मैं इधर बैठ गई हूँ चेयर पे। मैंने सोचा चलो आपको दिखा देते हैं क्या क्या लेके आए हैं मार्केट से, तो फटाफट दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ मैं भी। तो सबसे पहले तो एक ये फ्रॉक है बानी के लिए, मल्टी कलर के प्रिंट बने हैं इसमें, काफ़ी सुंदर लग रही थी, तो एक ये फ्रॉक लेके आए थे। और इसकी बर्थडे की ड्रेस हम फ्रॉक वगैरह लेने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कुछ ऐसा लेते जो बाद में भी काम आ जाए, क्योंकि फ्रॉक वगैरह फिर एक ही बार पहनी जाती है, फिर संभाले रहते। इसके पास ऑलरेडी है फ्रॉक, पहनती नहीं है उनको, तो इसकी बर्थडे की जो ड्रेस है वो ये है, ये है जॉगर वाली पैंट, और इसके साथ ये बहुत ही क्यूट सा क्रॉप टॉप है। अब इसका लुक तो आप लोगों को कल ही पता चलेगा जब जब पहनेगी ये, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और दिविशा के लिए बस दो जोड़े कपड़े बानी के लिए हैं, और दिविशा के लिए भी एक ये मिडी लेंथ के लिए फ्रॉक, काफ़ी सुंदर लग रही है। भी मिडी बोलते क्या बोलते हैं? हाँ मिडी, हाँ मिडी। दिविशा भी कल पहनेगी, दिविशा को नींद आ रही है बताएं। और एक दिविशा को डेली यूज में के लिए ये टी शर्ट और शॉर्ट लेके आए, ये तो इनके कपड़े हैं। और क्या है? कैंडी, बानी की फेवरेट। और ये कुछ कैंडी ली है बानी के स्कूल में भेजने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों पैकेट बानी ने फाड़ दिए हैं, इसके स्कूल के लिए लाए थे, और पता नहीं कितने खा चुके हैं। कितने खा दिए? तो तुम खाना बना रही थी बस, ये कितने खाए बानी इधर देख के बताओ? नहीं, चार तो मैंने खिलाए तेरे को, और जब हम बाहर थे चुपचाप फ्रिज में से कितने निकाल के खाए। कितने? तो मैं ये डेली यूज के कड़े लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर से। मैं घर में ऐसे ही कड़े पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, दो दो कड़े डाल लो। बस इतना ही कुछ हम लेके आए हैं अभी, बाकी केक वगैरह सब कल आएगा। इसमें क्या है? रबर,
रबर बैंड है बाली की दो चोटी बनाने ये भी दे दिया के लिए। तुमने अच्छा तो बस दोस्तों इतना ही है सामान। कैसी लग रही है आप लोगों को बर्थडे की ड्रेस जरूर बताना। कुछ बोलना चाहती बानी क्या तुम्हें? कोई बोलो उधर को मेरा बर्थडे सब लोग आना। अच्छा कल पार्टी करेंगे ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और कल मिलते हैं। बहुत ही मस्त सा ब्लॉग आने वाला है, कल जरूर देखना आप लोग, इंतजार करना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। हैप्पी बर्थडे वानी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। और क्या शुरू हो गया भाई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। कल मिलते हैं।